महज 8 ही पास और बन गए जनाब आईपीएस अफसर। लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि ये महाशय असल के आईपीएस अफसर नहीं बल्कि फर्जी हैं। और तो और इनका नाम भी इनकी तरह फर्जी है। दरअसल दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स खुद को आईपीएस बताकर दोस्ती के नाम पर महिलाओं और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही लड़कियों से ठगी करता था। यहां तक इंस्टाग्राम पर इस शख्स ने विकास यादव नाम से एक फेक अकाउंट भी बना रखा था। जब हमने इसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल अकाउंट खंगाला तो चौंकाने वाली जानकारी निकलकर सामने आई। इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह शख्स खुद को 2021 यूपी कैडर का आईपीएस अफसर बता रहा है। इसके साथ ही आईआईटी कानपुर से पास आउट भी उसने बताया। लेकिन जब दिल्ली की साइबर सेल ने आरोपी शख्स को दबोचा तो जो खुलासा हुआ वो और भी हैरान करने वाला था। दरअसल खुद को विकास यादव बताने वाले शख्स का असली नाम विकास गौतम है, जो एमपी के ग्वालियर का रहने वाला बताया जा रहा है। विकास गौतम सिर्फ 8वीं पास है, जो दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक रेस्टोरेंट में काम करता था। इसी रेस्टोरेंट में यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आते थे। बस यहीं से इन महाशय ने अपने शातिर दिमाग में लोगों को फर्जी आईपीएस बनकर ठगी का प्लान बनाया और नकली आईपीएस अधिकारी बनकर खासकर लड़कियों को अपना शिकार बनाने लगा। विकास गौतम मैसेंजर के जरिए लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था, जो अब तक करीब 12 स्टूडेंट से लाखों की ठगी कर चुका है। आरोपी के खिलाफ यूपी और एमपी में इसी तरह के कुछ मामले पहले से दर्ज हैं। हाल ही में इस फर्जी आईपीएस ने अपना रुतबा दिखाकर दिल्ली के एक डॉक्टर से ठगी की थी। पुलिस के मुताबिक पहले विकास गौतम ने फर्जी आईपीएस प्रोफाइल के जरिए महिला डॉक्टर से चैट करनी शुरू कर दी और जब महिला डॉक्टर उसके जाल में फंस गई तो उन्होंने उससे 25,000 रुपए भी ऐंठ लिए। जब कुछ दिन बाद डॉक्टर को शक हुआ तो जनाब की पूरी कुंडली सामने आ गई। आरोपी विकास गौतम ने डॉक्टर को धमकी भी दी, लेकिन वो डरी नहीं और पुलिस से शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने सर्विलांस के जरिए आरोपी को धर दबोचा। हैरानी की बात यह है कि सोशल मीडिया पर इस ठग ने जो फोटो डाली हुई है वो भी किसी सरकारी अधिकारी की लाल बत्ती वाली गाड़ी के साथ है। इतना ही नहीं, इसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दूसरे पुलिस अधिकारियों के साथ भी फोटो लगा रखी है। इसके अलावा इसने सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले सैंपल पेपर्स की कुछ फोटोज भी लगा रखी हैं, जिससे किसी को भी शक ना हो और आसानी से स्टूडेंट इसके ट्रैप में फंस जाएं। इस फर्जी आईपीएस के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 19,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। आए दिन ऐसी खबरें सामने आती हैं कि इस तरह के लोग सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके आम इंसानों को ठगते हैं। खुद को प्रशासनिक सेवा और पुलिस अफसर बताकर लोगों को निशाना बनाते हैं, लेकिन ऐसे ठगों से सावधान रहने की जरूरत है।